हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम गांव में बौआ रहे हैं। देखिए, अकेले कोई नहीं है कि घूम रहा हो, तो कुछ किया जाए, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही बना दे। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अच्छी लग रही है, ताज़ी ताज़ी हवा, नेचर का फुल मज़ा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम गांव में बौआ रहे हैं। देखिए, अकेले कोई नहीं है, किधर भी देखिए चारों तरफ से। ये गांव में आए कुछ काम से, तो मैंने देखा कि कोई नहीं है, तो अकेला हूँ, घूम रहा हूँ, तो कुछ किया जाए, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही बना दे। ये गांव तमिलनाडु का है, छोटा सा। यहाँ आए थे कुछ काम के लिए, लेकिन यहाँ तो लोग हमको दिखाई भी नहीं देती है। अजीब सा भी लग रहा है, देख सकते हैं। एक बाइक वाला बहुत देर के बाद गई है, पूरा खाली है। यहाँ बस वस भी नहीं आती, जल्दी आना पड़ेगा, तो बाइक से आना पड़ेगा। ये गांव का नाम है कांदितरम। यार बोलने में भी नहीं होता यहाँ का नाम, सोच भी नहीं सकते। तमिलनाडु का ऐसे ऐसे जगह का नाम है ना कि आप बोल भी नहीं पा सकते। उसको दिखाना पड़ता है, फ़ोटो लिख के बताना पड़ता है बस वाले को, तब समझती है। तो चलिए दिखाते हैं रास्ते में, देख सकते हैं। लेकिन नेचर का मज़ा लेते हुए गांव में बवा रहे हैं। देखिए, गन्ने का खेत है, अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही गांव में, सिटी से तो अच्छी है। देख सकते हैं गन्ने के पूरा खेती भी दिख चुके हैं। यहाँ देखे, यहाँ धान की खेती हो रही है, वहाँ देख सकते हैं। अच्छा, जूम करके दिखाते हैं धान। यहाँ अभी धान भी रोपा जाता है, पता नहीं कौन सा मौसम है। यहाँ 12 मास में धान रोपा जाता है, जब मन तब पानी पटा के। बारिश जल्दी होती नहीं है यहाँ, 12 महीने गर्मी रहती है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, बिहार में या दिल्ली में रहते तो ठंडी होती, लेकिन यहाँ देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ उगी हुई है। हमेशा धूप उगी रहती है, शायद कभी कल बारिश होती है। देख सकते हैं इस साइड, देखिए पोखर है, दिख रही होगी, छोटा सा पोखर है। एक का खेत कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है हमको, देख सकते दोनों साइड रोड के, दोनों साइड एक ही दिख रहा है। मन तो बड़ा है खाने का, लेकिन क्या करो यार, तोड़ लो। उसके बाद समझाने में भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे हिंदी आती है, उन लोगों को तमिल आती है। हाँ, कुछ बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, देख सकते। इसलिए रहने दो, देखो पूरा एक ही खेती, एक ही एक है। हम देख सकते हो यार, गांव में बौआ रहे हैं अकेले अकेले, लेकिन अच्छी लग रही है। ताज़ी ताज़ी हवा, नेचर का फुल मज़ा है। देख सकते हो यहाँ नारियल का पेड़ बहुत सारे लगे हैं रोड साइड। यहाँ नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे हर दुकान में नारियल बेचते रहते हैं, फिर भी सस्ता नहीं रहती है। 20 रुपये पीस यहाँ आराम से नारियल मिल जाती है। ये तमिलनाडु सिटी का सिटी नहीं, गांव है। अभी हम घूम रहे हैं, कहाँ पर है मुझे खुद मालूम नहीं, सोचे ब्लॉग बना लेते हैं। यार अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। तमिलनाडु का हर एक जगह पर हम घूम ट्रेवल करते हैं, तो उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, अभी हमारा जो काम तो वो काम ख़त्म करके बस स्टॉप में, देख सकते हैं ये बस स्टॉप है छोटा सा, वहाँ के बैठे हुए हैं बस के इंतजार में। अब देखते हैं बस कितनी देर में आएगी, देख सकते हैं खाली रास्ता है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर से बस आएगी, जाना है तिरछी, यहाँ 60 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं कब आती है बस, तब तक इंतज़ार करते हैं। देख सकते हैं इमली खाना है, इमली के पेड़ यहाँ पर बहुत है, क्या करूँ।